एक एक कर तज रहे सखा संगी सब साथ पिता महों के व्यूह में राहुल मलते हाथ क्या परेशान हो गए आप आश्चर्य हुआ क्या लेकिन आप में से बहुत से ठीक समझे कि ये टिप्पणी है जो राजस्थान में राजनीतिक उठापटक है उसको लेकर एक तंज है कांग्रेस के ऊपर जो अर्थ प्रकाश के प्रथम पृष्ठ पे टेंशन खल्लास में एक व्यंग्यवाण के रूप में दिया गया है मैं नरेश कौशल अर्थ प्रकाश ग्रुप की ओर से आज फिर एक बार लेकर आया हूँ हिंदी के प्रमुख समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ के मुख्य समाचार और स्थानीय संस्करणों के महत्वपूर्ण समाचारों पर चर्चा के लिए तो जैसे कि मैंने अभी आपको सुनाया कि पायलट को लेकर राजनीतिक जो चर्चा सभी अखबारों में है सभी का शीर्षक लगभग मिलता जुलता है और इसके अलावा कोरोना के उपचार को लेकर एक जो मेडिसिन है वैक्सीन जो है वो तैयार होने की स्थिति में आ रही है ऐसी एक आशाजनक खबर भी है बिहार में 16 जुलाई से फिर कर्फ्यू लगाने की बात है 15 दिन के लिए और और सीबीएसई के दसवीं कक्षा के जो परिणाम है वो आने का समाचार भी महत्वपूर्ण तरीके से दिया गया है कि ये जो रिजल्ट है कल आएगा तो अब हम अलग अलग समाचार पत्रों पर दृष्टि डालते हैं सबसे पहले लेते हैं दैनिक अर्थप्रकाश शीर्षक है पायलट से उप मुख्यमंत्री व प्रदेश अध्यक्ष पद छीना तीन दिन की तमाम कोशिश के बाद कांग्रेस ने लिया एक्शन जयपुर में दो दिन में दो बार हुई विधायक दल की बैठक सचिन पायलट और उनके विधायक नहीं पहुंचे और इसके साथ ही जो सेकेंड लेट के समाचार है अर्थप्रकाश में बहत्तर घंटे से कम समय के लिए पंजाब आने वालों को नहीं होना पड़ेगा क्वारंटाइन यानी कि अपने घरों में होटलों में बंद उन लोगों को नहीं रहना पड़ेगा जो केवल पचहत्तर घंटे के लिए यहाँ पे कहीं पंजाब में आ रहे हैं और इसके साथ ही जो जैसा मैंने बताया कि कोरोना पर खुशखबरी दो देशी टीकों का हो रहा इंसानी परीक्षण ये भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने पहले भी घोषणा की थी कि वो कोशिश में लगे हुए हैं वैक्सीन तैयार करने के लिए खरगोश और चूहों पर ये इसको टेस्ट करने में कामयाबी मिली है अब इसको मानव के ऊपर किया जा रहा है और बहुत से लोगों को इसके लिए जो लोगों ने वॉल्टियर किया है उन पर इस जो मेडिसिन है उसका जो परीक्षण किया जाएगा और इसके साथ ही जो बॉटम स्प्रेड समाचार है अर्थ प्रकाश वो वो बिल्कुल एक्सक्लूसिव है और समाचार पत्रों में मुझे देखने को कम से कम मुझे नहीं मिला है मकान खरीदने की इच्छा रखने वालों का फांसा जा रहा है झूठे को फांसा जा रहा है झूठे जाल में चंडीगढ़ में ठगी के अड्डे बनते जा रहे बिल्डर ये बड़ा रोचक समाचार है जो पन जो चंडीगढ़ है एक महत्वपूर्ण जैसे शहर है सबको आकर्षित करने वाला शहर है जो लोग यहाँ शहर के अंदर रहने का अपना सपना पूरा नहीं कर पाते वो चंडीगढ़ के आसपास पास जीरकपुर है मोहाली है या पंचकुला है इसके आसपास लगते शिवालिक की तलहटी के साथ लगते हुए गांव हैं यहाँ पे अपना आशियाना बनाने की जो है लोग सपना बना के रहते हैं इसलिए बिल्डरों ने क्या किया है कि बिल्डर जो है ज़मीन मालिकों से किसानों से या दूसरे ज़मीन मालिकों से मिली भक्त कर लेते हैं और सोसाइटियाँ बना लेते हैं वो ज़मीन जो है सोसाइटियों के नाम रजिस्टर भी नहीं होती सब घपला और लोगों को आकर्षित करना शुरू कर देते हैं बोर्ड लगा लेते हैं वो ये जो ना तो ज़मीन का जो बिल्डरों से पास हुई होती है और ना ही वो रेरा से जो है अप्रूवल मिली होती है तो इस तरह से लोग इनके चंगल में फंसते हैं तो करोड़ों रुपए का ये जो घपला है इसको उजागर किया है केवल अर्थप्रकाश ने अपने जो बॉटम स्प्रेड समाचार में इसमें हम दो पंक्तियों में आपको बता दें ऐसे बनते हैं ग्राहकों का बनाते हैं ग्राहकों का बेवकूफ जानकारी के अनुसार बिल्डर जिस जमीन का सौदा किया होता है उस जमीन पर स्थायी रूप से ऑफिस बना लेते हैं ताकि ग्राहक उनके जाल में फंस सके ग्राहक अपने ग्राहक करे आश्वासन दिला को ये आश्वासन दिलाया जाता है कि सरकार से सभी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई हैं आपको एक साल के अंदर मकान उपलब्ध करा दिए जाएंगे इस तरह ग्राहक उनकी बातों में फंस कर अपना पैसा डुबो बैठते हैं ये समाचार दे देने का ये मकसद भी होता है कि समाज सचेत रहे ये भूमिका है ये दायित्व तो है दैनिक अर्थ प्रकाश का अब हम चलते हैं दैनिक भास्कर दैनिक भास्कर में जैसी अमूमन वो देते हैं हर रोज ही कोरोना के बारे में पूरे देश की और पूरे विश्व की क्या स्थिति है सात दिन का ट्रेंड रोज औसतन सत्ताईस हज़ार मरीज़ मिले और ठीक होने वाले की संख्या है और दिल्ली के बारे में दिया है कि दिल्ली में ठीक होने वाले मरीज सबसे ज़्यादा चवालीस परसेंट बढ़े और चंडीगढ़ पंजाब समेत पांच राज्यों में घटे सात राज्यों में सत्तर छः से ज़्यादा मरीज़ ठीक हो चुके हैं और इसके बाद गहलोत का समाचार उन्होंने फ्लायर के नीचे दिया है अब गहलोत ही पायलट ये एक तरह से आकर्षक बनाने के लिए समाचार दिया जाता है सब और दूसरा समाचार पंजाब में कोरोना का आघात घात लिखा है इन्होंने अब तक 221 मौतें आठ लोग संक्रमित और एक दिन में पहली बार जो पंजाब में है ग्यारह मौतें हुई हैं इसको भी जो दैनिक भास्कर है उसने हाईलाइट किया है और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण समाचार उन्होंने बॉटम पे दिया है नेपाल के जो पूर्व मुख्य पूर्व मुख्यमंत्री हैं भट्टा राय और ओली वगैरह इनो वहाँ पे एक विवाद उन्होंने छेड़ दिया है कि जो रा, भगवान राम थे वो नेपाल में उनकी कर्मभूमि थी या जन्मभूमि थी इसको लेकर उन्होंने विवाद शुरू कर दिया है तो इसका उत्तर जो है कई उनके विपक्ष के नेताओं ने उनको हंसी मजाक में खिल्ली उड़ाई है उनकी और इसी के साथ एक पावन स्वरूप गायब मामला ये सिखों के धर्म ग्रंथ से जुड़ा हुआ मामला है और इसकी एक इंक्वायरी बिठाई जा रही है पब्लिकेशन विभाग का जो पाँच साल का रिकॉर्ड है वो सील जो सील किया जा रहा है एस के कहने पर हम आगे चलते हैं दैनिक ट्रिब्यून दैनिक ट्रिब्यून के प्रमुख समाचार जो हैं गहलोत राज में चिना पायलट का स्थान और सी बी एस की दसवीं का परीक्षा का परिणाम आज जैसे मैंने पहले भी आपको जिक्र किया है और इसमें जो हरियाणा में छः सौ पचानवे नए मरीज सात मौतें और हरियाणा को दो साल में मिलेगी दो लाख करोड़ की सड़कें यह राजमार्ग परियोजनाओं का जो गढ़ ने नए जो है मंत्री हैं सड़कें उन्होंने उद्घाटन उन किया है और इसके बाद हम चलते हैं दैनिक जागरण की ओर दैनिक जागरण में भी पायलट से संबंधित समाचार का शीर्षक है राजस्थान में बिना पायलट कांग्रेस और उसके अलावा दूसरा समाचार जो सेकंड है सिर्फ तीन घंटे ऑनलाइन पढ़ा सकेंगे स्कूल ये बड़ा महत्वपूर्ण समाचार है मानव संसाधन मंत्रालय जो है उसने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं क्योंकि बच्चों की आँखों पर बड़ा बुरा इफ़ेक्ट पड़ रहा था जिसका जिक्र हमारे स्थानीय संस्करण में मैं बताऊंगा बाद में जाकर कि हमने भी पहले ही लिखा है कि बच्चों के आंखों पर ऑनलाइन पढ़ाई से कितना असर पड़ रहा है तो मानव संसाधन मंत्रालय ने कहा है कि बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के घंटे अब तय होंगे मंत्रालय इसे लेकर विस्तृत गाइडलाइन जारी कर रहा है इसके तहत स्कूली बच्चों को हर दिन अधिकतम तीन घंटे ही ऑनलाइन पढ़ाया जा सकेगा हालांकि क्लास के हिसाब से इसका भी अलग अलग समय तय किया गया है पहली से आठवीं कक्षा के बच्चों का हर दिन एक से डेढ़ घंटे और नौवीं से बारहवीं तक के बच्चों को दो से तीन घंटे ही ऑनलाइन पढ़ाया जा सकेगा तो इस तरह से जो कोई कोई भी पीरियड जो है पैंतालीस मिनट से ज़्यादा नहीं होगा पंजाब में बारह मौतों की जो खबर है उसको हाईलाइट किया गया है इसमें तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अमर उजाला की अमर उजाला में भी जो लीड समाचार तो बागी पायलट बर्खास्त के रूप में दिया गया है लेकिन ऊपर एक फ्लायर दिया है गडकरी का समाचार जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हरियाणा में नई सड़कों पर दो साल में खर्च होंगे दो लाख करोड़ ये गडकरी जो हैं मंत्री केंद्रीय मंत्री उन्होंने उद्घाटन किया है और इसमें से बहुत सी सड़कें जो हैं करोड़ों रुपए की सड़कें वो हरियाणा के हिस्से में भी हैं तो उसमें इन्होंने शीर्षक दी हैं बीस हज़ार सत्ताईस करोड़ रुपए की तीन राजमार्ग परियोजनाएँ की समर्पित और दूसरा हेडिंग दिया केंद्रीय मंत्री ने 11 हाईवे परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया तो इस तरह से इन्होंने इस परियोजनाओं की जो है पूरा विस्तृत इन्होंने विस्तृत तो विवरण भी दिया है और इसके साथ ही जो पंजाब में क्वारंटाइन होने का जो है समाचार मैंने पहले बता दिया गया पचहत्तर घंटे तक के लिए अगर कोई आता है राज्य में तो वो क्वारंटाइन होने की ज़रूरत नहीं है इसमें एक और महत्वपूर्ण समाचार है कि पाक से आए जो हथियार गैंगस्टर हैं वो उनके साथ संबंधित है कि बुलेट प्रूफ जैकेट हथियारों के साथ दो गैंगस्टर गिरफ्तार इस समाचार को इन्होंने हाईलाइट किया है और प्री प्राइमरी तीस मिनट से ज़्यादा ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होगी ये समाचार भी मानव संसाधन मंत्रालय ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उसमें से उन्होंने प्री जो प्राइमरी क्लासेज हैं उनका इन्होंने जिक्र किया कि तीस मिनट से ज़्यादा बच्चों की आंखों पर असर पड़ता है इसलिए पढ़ाई जो है वो नहीं कराई जाएगी पंजाब केसरी की बात करते हैं पायलट को सत्ता के प्लेन से उतारा शीर्षक बनाया गया है आकर्षक और उप मुख्यमंत्री एवं प्रदेश पद अध्यक्ष पद छीना और इसके साथ ही सेकेंड लीड है कैप्टन की कैबिनेट तक पहुंचा कोरोना क्योंकि कैप्टन की कैबिनेट तक मतलब कहने का एक चटपटा हाइडिंग बनाने की बात है एक मंत्री को जो है पॉजिटिव हुआ है कोरोना तृप्त समाज तो इसलिए और हाँ इसके साथ ही एक और बता दें कि लुधियाना और जलंधर के जो जज हैं तीन पहले मोहल्ली की भी एक जज को ऐसा हो चुका है तो हम पहले जिक्र कर चुके हैं तो इनको भी कोरोना जो है वो पॉजिटिव पाया गया है एक और बड़ा महत्वपूर्ण समाचार जो है ये अपना पंजाब किसी ने जो दिया है वो है प्रवासी मजदूरों के बच्चों का नाम नहीं काटे स्कूल ये जो प्लान करके गए थे जो अपने कार्य क्षेत्र जहाँ पे मजदूर काम करते थे वहाँ से जब करोना की शुरुआत हुई है तो उनमें भय पैदा हो गया था वो अपने घरों की ओर चल दिए थे बहुत से लोग पैदल गए गाड़ियों में गए तो उनके बच्चों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब हुई है ऑब्वियस है तो अब सरकार ने ये निर्देश जारी किए हैं कि वो बच्चों की जो है क्लासिस में स्कूलों को निर्देश दिए हैं क्योंकि क्लासिस में नाम मत काटे जाएं। तो इसके साथ ही रामपाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका पैरोल की अर्जी खारिज ये समाचार हरियाणा में एक बड़ा विवादास्पद चर्चित केस सतलोक आश्रम था वहाँ पर रामपाल और पुलिस में मुठभेड़ भी हुई थी और रामपाल के समर्थकों में तो उसमें कई लोग जो है घायल हुए और मौत भी हुई तो इस तरह से वो जो सजा काट रहे हैं उम्र कैद तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रामपाल की जो है वो जो एप्लीकेशन थी जमानत अर्जी पैरोल की वो रद्द कर दी उनकी पोत्री की शादी है वो इसलिए वो ये पैरोल मांग रहे थे अब हम बात करते हैं आज समाज की आज समाज में पायलट से संबंधित समाचार का शीर्षक दिया कांग्रेस में पूर्व हुए पायलट अलग अलग अपने अपनी क्रिएटिविटी है हर एक अखबारों के जो न्यूज़ डेस्क हैं और दूसरा समाचार दिया है इन्होंने सेकेंडलीड बंगला मामले में पुरी और प्रियंका में ट्विटर वार ये समाचार में बात मुख्यतः यह है कि जो वाड्रा है प्रियंका वाड्रा उसको जो अलाट किया हुआ सरकारी बंगला है वो उसमें से उसको जाने का निर्देश जो है या आदेश है वो वैकेट करने के लिए खा बंगला खाली करने के लिए बोला गया था और वो समय के भीतर ही खाली करने भी जा रही हैं लेकिन जो पुरी हैं जो अपना मिनिस्टर हैं केंद्र में उन्होंने कहा है कि हमने जो है उनको और ज़्यादा देर रहने के लिए अलाउ किया दो महीने के लिए प्रियंका का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है हमने बिल्कुल कोई टाइम नहीं मांगा है पुरी ने फिर कहा है कि नहीं जी या इनको जो हमने इनके किसी सीनियर जो पार्टी के जो नेता है उन्होंने हमें अप्रोच किया था इस तरह का ये विवादास्पद ये तू तू, -तू मैं मैं कहते हैं इसको उस तरह का ये समाचार है और एक बड़ा ही इसमें रोचक समाचार जो है आज समाज में है बॉटम पर तिरुपति मंदिर में दान में आ रहे पुराने नोट जैसा कि आप जानते हैं कि नवंबर 2016 में नोटबंदी होने पर जो नोट बंद किए गए थे पाँच सौ और हज़ार रुपए के वो नोट अब भी धनादन आ रहे हैं मज़ेदार बात तो ये है कि रिज़र्व बैंक में पहले ही लगभग पूरे नोट पहुंच चुके हैं और ये अब कहाँ से पैदा हो रहे हैं ये बात जो है समझ से बाहर है तो ये थे मुख्य समाचार पत्रों के मुख्य समाचार और अब हम बात करते हैं स्थानीय समाचारों की पहले लेते हैं चंडीगढ़ भास्कर चंडीगढ़ भास्कर में सचित्र समाचार दिया है दूसरे समाचार पत्रों के स्थानीय संस्करणों में भी है नर्स से छेड़छाड़ करने के आरोपी को नर्सों ने पीटा पंद्रह बीस मिनट तक जड़ते रहे थप्पड़ मुक्के और बड़ा रोचक समाचार भी रोचक है सभी अखबारों में लगभग है लेकिन उन्होंने हाईलाइट किया और चित्र भी मारते हुए जो मुक्के जो है थप्पड़ मुक्के वो दिखाई दे रहे हैं इसमें बात ये थी कि जो नर्स थी वो अपनी ड्यूटी पर थी तो जो एक सेकैटरी का डॉक्टर था वो कहते हैं आरोप है कि वो शराब भी कराया था और उसने छेड़खानी की कोशिश की थी और इसके साथ ही इसमें एक और महत्वपूर्ण समाचार है मैक्सिकन आर्टिस्ट के आर्ट वर्क से सदी कार चंडीगढ़ में होगी रजिस्टर हाई कोर्ट ने कहा ट्रक डेकोरेट होकर चल सकते हैं तो कार क्यों नहीं ये एक तरह से दूध का दूध पानी का पानी हो गया बहुत से लोगों में ये कई बार ये डाउट रहता है कि अगर हम गाड़ी के ऊपर कोई एसिड स्टिककर या कोई चीज़ लगा लेंगे तो वो शायद पास नहीं होगी रजिस्ट्रेशन ऑफिस से लेकिन अब इन्होंने साफ कर दिया कि ट्रक चल सकते हैं तो कार क्यों नहीं तो लेकिन एक बात कोर्ट ने कही है कि गाड़ी का वाहन के स्वरूप और कलर रंग वो नहीं बदलना चाहिए तो इस समाचार को इन्होंने काफ़ी जो है हाईलाइट किया है अब हम आज समाज का जो लोकल संस्करण है उससे बात करते हैं इसमें युवती के सगे भाई पर लगाए छेड़छाड़ के आरोप ये सेक्टर 26 थाना में एक केस दर्ज हुआ है और इसके साथ ही जो मुख्य समाचार उन्होंने दिया है वो चंडीगढ़ में कोरोना से धोखी मौत कर दिया है और मोहाली में कोरोना से दो लोगों की वहाँ भी मौत हुई है और इसके अलावा जो लापता युवक का शव नाले में मिला ये मोहाली के संबंधित समाचार है यानी कि क्राइम के, के समाचार मुख्य रूप से आज समाज के प्रथम पृष्ठ पर लोकल जो इनका संस्करण है थाने के मालखाने में जमा रिवॉल्वर गुम और वेबसाइट से छात्र प्रोस्पेक्टस ले कर सकते हैं डाउनलोड ये जो स्कूलों के छात्र हैं शिक्षा विभाग ने कहा है के इस बार आगे जाकर लाइनों में लगना पड़ता है विंडो पे स्कूलों की लेकिन अब ऑनलाइन ही प्रोस्पेक्ट्स लिए जा सकते हैं डायरेक्ट ट्रिब्यूनल के स्थानीय प्रशिक्षित प्रश्न जो हैं उन पर समाचार अम्बाला का ही मुख्य रूप से रोज ही होता है अम्बाला में कोरोना का कहर जारी है छियालीस नए मरीज आए सामने और छे, छेड़छाड़ की जो खबर है उसको भी उन्होंने महत्व दिया है एक है खबर बर्खास्त पी टी आई ने विधायक चौधरी को सौंपा ज्ञापन ये कालका के विधायक प्रदीप चौधरी हैं उनको जो पी के टीचर हैं जो बर्खास्त किए गए हैं जो कोर्ट के फैसले के आधार पर जो हुड्डा सरकार के टाइम में लगे थे उनसे संबंधित समाचार है कि हमें दोबारा से बहाल करवाया जाए अब अमर उजाला के जो लोकल एडिशन है माई सिटी उसकी बात करते हैं लापरवाह ऑपरेशन के दौरान काटा पैर लेकर भाग गए कुत्ते बड़ा इंटरेस्टिंग और अटपटी घटना देखिए आप के न्यू सनी इनकलेव है वहाँ पर एक हॉस्पिटल है वहाँ बच्चे एक पैर काटा गया उसको पैर काट कर उसको रखा था अभी उसका टेस्ट होने जाना था लोग कुत्ते उठा के ले गए बड़ी अजीब और गरीब बात है अब दूसरा इनका है इंसान फ़ोटोग्राफिक मेमोरी मशीन नहीं जो हर बात को पूरी तरह से याद रख सके ये जो एविडेंस लेकर जाते हैं फोटोग्राफी के या आजकल टेप रिकॉर्डिंग के उसके बारे में कोर्ट ने कहा तो इसी तरह से खबर है कि सिविल अस्पताल में नर्सों ने छेड़छाड़ के आरोपी डॉक्टर को पीटा ये समाचार लगभग सभी समाचार पत्रों में पहले भी हम इसका जिक्र कर चुके हैं और चंडीगढ़ केसरी पंजाब केसरी का के स्थानीय संस्करण है ट्राई सिटी में कोरोना से चार की मौत उसमें दो मोहल्ले के हैं दो चंडीगढ़ के हैं इसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं इसमें एक जो रोचक समाचार है एक जो बच्ची जो एग्ज़ाम में जिसने नंबर लिए थे अठानवे पॉइंट दो ये विवेक हाई स्कूल की बच्ची है बारहवीं की जो सी की परीक्षा का अभी परिणाम ही आया था उसमें उसने ना केवल पढ़ाई में अव्वल है वो अठानवे पॉइंट दो ली है नाट्य मंच एवं अभिनय के ग्राउंड में भी बेस्ट रही देवता जुनेजा स्कूल में भी रही बेस्ट जो देवता लड़की है इसके बारे में समाचार है इसी तरह से इन्होंने सेक्टर उन्नीस में परिवार के तीन सदस्य चपेट में कोरोना का समाचार है और इसमें कार की रजिस्ट्रेशन से संबंधित जो कारध धर्ज के गई थी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में उससे संबंधित समाचार इसका जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं दैनिक जागरण का जागरण है सिटी उसमें वही वाहन पर आर्ट वर्क है तो रजिस्ट्रेशन से नहीं किया जा सकता इनकार सभी अखबारों ने इस समाचार को उठाया है और चंडीगढ़ का जो एक उपनगर का ये हिस्सा ही है अब उसको तेरह सेक्टर भी बोलने लगे हैं अब मनी माजरा से होगी प्रत्येक घर में स्क्रीनिंग की शुरुआत वीकेंड कर्फ्यू पर फैसला आज ट्राई सिटी में संक्रमित लोगों की संख्या का पहले हम जिक्र कर भी चुके हैं और इसके साथ ही मंडी से रिटेल में सब्जी खरीदने आने वालों पर लगेगी पाबंदी ये समाचार है यहाँ पे वैसे सेक्टर 26 में अनाज मंडी है सब्जी मंडी फल मंडी भी है लेकिन वहाँ पे कोरोना के दिनों में बहुत ज़्यादा भीड़ की वजह से इस भय से जो प्रशासन ने कि कोरोना का वायरस ना फैले उन्होंने यहाँ से सब्ज़ी और फल की मंडी शिफ्ट कर दी थी सेक्टर सतारह में जहाँ पहले बस स्टैंड हुआ करता था अंतर्राज्यीय बस स्टैंड तो वहाँ पे लोग जो परचून के भी खरीदने जाते हैं तो उनको रोका जा रहा है कि वो नहीं जा सकते सिर्फ जो लाइसेंस लोग हैं जिन्होंने आगे बेचनी होती है सब्ज़ियाँ वो वहाँ पे जाके थोक से खरीद सकते हैं इस समाचार को इन्होंने प्रमुखता दी है अब हम बात करते हैं अर्थ प्रकाश का दैनिक अर्थ प्रकाश का जो स्थानीय संस्करण है ट्राई सिटी ट्राई सिटी के बारे में मैं अक्सर बात करता हूँ कि इसमें जो लोकल समाचार हैं वो दूर दराज तक देखे पड़े जा सकते हैं यहाँ पे भी जो जो भी यहाँ पे बात कोई संगठन कोई सेवा का, का काम चैरिटी का करता है वो सोनीपत में भी पढ़ा जा सकता है अबोहर में भी पढ़ा जा सकता है ब्लड डोनेशन कैंप के समाचार हैं छतर दिए गए हैं कोरोना से जागरूक करने के लिए लगाए पोस्टर यह भी एक तरह से समाज सेवा के काम है नौ दिन नौ दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला का शुभारम्भ ये सभी समाचार पेज एक पर दिए गए हैं और ये आप कहीं भी जाएंगे तो उनको पढ़ सकते हैं इसी तरह चितकारा इंटरनेशनल स्कूल का सी का जो परीक्षा परिणाम शानदार रहा है उन्होंने कहा है कि सत्तर विद्यार्थियों में से सौ फीसदी रिजल्ट उनका आया है ये समाचार दिया यहाँ पे आप जैसे मैंने बीच में आपको कहा था कि ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से बच्चों की आँखों पे असर पड़ता है इसको हमने पहले ही हमारा जो एडिटोरियल पृष्ठ है संपादकीय पृष्ठ है उस पर हमने एक जो फीचर टाइप फीचर न्यूज फीचर टाइप समाचार दिया है आँखों पर भारी शिक्षा जरूरी है उपचार और एहतियात ये पूजा यादव की ओर से लिखा गया फ़ीचर है इसमें उन्होंने यही बताया है कि बच्चों पर ही नहीं शिक्षकों पर भी क्योंकि ज़्यादा जितनी देर वो ज़्यादा आगे रहेंगे लैपटॉप के आगे रहेंगे स्क्रीन के आगे या मोबाइल के आगे तो उसका असर आंखों पर पड़ता है इसके साथ ही उन्होंने उपचार भी बताया है कि उपचार क्या क्या घरेलू उपाय क्या क्या हो सकते हैं आँखों को सेकें ओमेगा थ्री वाले फूड्स का सेवन करें विटामिन सी लें आँखों को धोएं, ऐसी ऐसी बातें इन्होंने कही है इसके साथ ही हम बता दें कि हम अजब गजब दुनिया के नाम से एक बॉटम भी देते हैं कई बार अपना इसी जो स्थानीय संस्करण हमारा है अर्थप्रकाश का उसमें अजब गज में आज का बड़ी मज़ेदार है कि जो शराब की बोतल होती हैं वो कांच की होती हैं अब उनकी जगह कागज़ की बोतलों में भी मिला करके शराब ये समाचार दे गए बाकी जैसा कि आपको पहले भी बताते हैं कि चौंतीस साल पहले क्या हुआ था शहर में क्या हुआ था चंडीगढ़ के आसपास इसका जिक्र भी हम एक समाचार देकर करते हैं उसी डेट में यानी कि आज जैसे 15 जुलाई है चौंतीस साल पहले 15 जुलाई 1986 के दिन कोई खास घटना उसका जिक्र हमने किया है और हर रोज़ करते हैं इसी के साथ अपना ये आज का ये बोलेटन समाप्त करने से पहले जैसे मैं पहले भी ये संदेश देता हूँ कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई तो करानी मजबूरी है लेकिन आप उनकी आंखों का भी ध्यान रखें और इसके साथ ही जरूरत के लिए घर से बाहर निकलें बुज़ुर्गों को तो बिल्कुल ही ना निकलने दें और बुज़ुर्गों का आदर करें उनका ध्यान रखें इसी के साथ मैं अपनी बात को समापन करने से पूर्व एक आपको सुभाषित जो कि ट्राई सिटी में ही है वो बताना चाहूंगा गलती तो हर मनुष्य कर सकता है किंतु उस पर दृढ़ कौन रह सकता है केवल मूर्ख इसलिए विवेक और बुद्धि को कायम रखिए धन्यवाद नमस्कार ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें